जय शनिदेव। प्रिय दर्शकों, मैं स्वामी राजर्षि स्वागत करता हूं आप सभी का नवंबर 2024 की मासिक राशिफल की वीडियो सीरीज में, जहां आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कर्क यानी कि कैंसर राशि के जातकों के बारे में। प्रिय दर्शकों, नवंबर 2024 त्योहारों का मौका है, त्योहारों का ये महीना है जहाँ हमारा दीपावली, भाई दूज, गोवर्धन पूजा, छठ पूजा, गुरुपूरब जैसे सभी प्रमुख त्यौहार पड़ने वाले हैं, कार्तिक पूर्णिमा पड़ने वाली है। उन सभी त्योहारों के अनेकों अनेक शुभकामनाएं मैं आप सभी दर्शकों को देना चाहता हूं। प्रार्थना करूंगा अपने इष्ट देव से कि आप सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाकर रखें। प्रिय दर्शकों, नवंबर 2024 कर्क राशि के लिए बहुत खास है। सूर्य देवता यहाँ पर आपके पंचम भाव में विराजमान है, सेकंड भाव यानी कि धन भाव के स्वामी है, फिफ्थ हाउस के अंदर विराजमान हो रहे हैं, जो कि अकस्मात लाभ को दिखाता है। तो ये कर्क राशि के लिए बहुत बड़ा संकेत है। मंगल देवता कर्क राशि के लगन भाव के अंदर, पहले भाव के अंदर नीच राशि में विराजमान है, इसका भी एक बहुत बड़ा प्रभाव कर्क राशि पर पड़ रहा है। इसके साथ साथ शनिदेव जी, जिनकी ढैया कर्क राशि वाले काफी समय से सह रहे हैं, वो अब पुनः मार्गी होने वाले हैं, तो कुछ कष्टों से निवारण यहाँ पर शनिदेव जी कर्क राशि को देने वाले हैं। और इसके साथ साथ कुछ विशेष सूचना यहाँ पर आपके फोर्थ हाउस यानी आपके माता का भाव, आपके घर का भाव, आपके व्हीकल्स का भाव, आपके आपके सुख शांति का भाव वहां से मिल रही है। और दूसरा यहाँ पर आपके करियर के भाव टेंथ हाउस से भी मिल रही है। इन सब का क्या प्रभाव, क्या छुपा हुआ है, क्या छुपे हुए संकेत है कर्क राशि के लिए नवंबर 2024 के अंदर, मैं स्वामी राजर्षि विस्तार से इस वीडियो में आपको बताऊंगा। आगे बढ़ने से पूर्व आप सभी दर्शकों से निवेदन करना चाहूंगा, इस वीडियो को लाइक अवश्य करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इस चैनल पर ऐसे ज्ञानवर्धक वीडियो समय समय पर आते रहते हैं। इसके साथ साथ आप सभी दर्शकों को ये भी कहना चाहूंगा कि प्रिय दर्शकों, अगर आपके जीवन में कोई भी परेशानी आ रही है तो उसका फ्री ऑफ कॉस्ट सोल्यूशन मैं आप सबको देने के लिए तैयार हूं। इसके लिए आपको क्या करना है, कमेंट सेक्शन में जाकर लिखना है हैशटैग स्वामी जी, नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ और अपनी परेशानी को कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। आने वाले वीडियोस में आप सभी की समस्याओं का समाधान मैं जरूर बताऊंगा। ये जो वीडियोस है मैं अपने चैनल पर ही डालता हूँ, समय समय पर ये वीडियोस आती हैं, तो इसमें आपकी कुंडली का अध्ययन करके आपको ऐसे उपाय जरूर दूंगा जो 2 से 3 महीनों में आपके जीवन में बदलाव लेकर आ सके, तो इस मौके को हाथ से मत जाने देना। चलिए, बात कर रहा था कर्क राशि की, तो कर्क राशि की पहले यहाँ पर नवंबर 2024 की कुंडली आपके सामने प्रस्तुत कर देता हूं। तो पहले भाव में मंगल और चंद्रमा दिखाई दे रहे हैं, मंगल नीच राशि में गोचर कर रहे हैं, दूसरा भाव मुख्य ग्रहों से वंचित है, तो तीसरे भाव में केतु देवता विराजमान है, फोर्थ हाउस भी खाली है, फिफ्थ हाउस के अंदर सूर्य और बुध ये 2 ग्रह विराजमान है और ये बड़ा खास संकेत दे रहे हैं, तो इसके बारे में मैं आपको जरूर बताऊंगा। इसके बाद बात करूंगा सिक्स्थ हाउस की, तो सिक्स्थ हाउस में शुक्र देवता है, सेवेंथ हाउस खाली है, एट्थ हाउस के अंदर शनि देव जी जो पहले वक्री चल रहे थे, जिनकी ढैया का शिकार कर्क राशि वाले हो रखे हैं, वो आप पुनः मार्गी होने वाले हैं, कष्टों में कुछ राहत देने वाले हैं शनि देव जी, तो ध्यान से आगे जरूर सुनना। इसके बाद बात कर रहा हूं यहाँ पर नाइन्थ हाउस की, नाइन्थ हाउस में राहु देवता विराजमान है, टेंथ हाउस खाली है, इलेवेंथ हाउस में देव गुरु बृहस्पति वक्री होकर विराजमान है और ट्वेल्थ हाउस भी मुख्य ग्रहों से वंचित है। तो ये कर्क राशि की कुंडली है। अपने 7 वर्षों के वैदिक ज्योतिष के अनुभव के आधार पर और इसी कुंडली के आधार पर मैं आपको आगे का राशिफल बताऊंगा। प्रिय दर्शकों, हमारे शनिपीठ मंदिर में 133 देशों से 23 लाख से भी अधिक परिवारों का भरोसा जुड़ा हुआ है। आप भी इस चैनल से जरूर जुड़े, इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर करें। चलिए, बात करूंगा पहले कर्क राशि के लिए उन क्षेत्रों की जहां से गुड न्यूज उनको मिलने वाली है। तो गुड न्यूज मिलेगी सबसे पहले 10th हाउस से, शनिदेव जी जो कि वक्री चल रहे थे, जिनकी तृतीय दृष्टि कर्म भाव पर पड़ रही थी और आपकी नौकरी में रुकावट डाल रहे थे, वो रुकावटें नवंबर का अंत आते आते दूर होती हुई नजर आ रही हैं। बहुत सारे लोग जो घर पर बैठे हुए थे, नौकरी का कोई अता पता नहीं था, उनके सामने अचानक से कुछ अपॉर्चुनिटीज आ सकती हैं, तो इस लिहाज से एक अच्छा समय मुझे यहाँ पर कर्क राशि के लिए नजर आ रहा है। अब इसके साथ साथ इनकम की दृष्टि से अगर मैं बात करूं, अकस्मात लाभ के बड़े चांसेस बन रहे हैं। कर्क राशि वालों ने या तो कहीं पर निवेश किया हुआ था, उसको सेल आउट करके उस चीज को कैश करके अब आप कहीं नई जगह पर निवेश करने जा रहे हैं और वहां से बहुत कम समय में अकस्मात लाभ के चांसेस बन रहे हैं, तो इस मौके को हाथ से नहीं जाने देना है। पर कभी भी कहीं पर भी निवेश करते हैं तो बहुत अच्छे से
उससे जुड़े हुए रिस्क को समझने के बाद ही आपको कहीं पर निवेश करना चाहिए। फाइनेंशियल डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लाइफ में पीसफुली जीना चाहते हैं, हैप्पीली जीना चाहते हैं, तो फाइनेंशियल डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ समय पहले मैंने न्यूज में पढ़ा कि जब एप्पल आईफोन 16 भारत में लॉन्च हुआ तो उसकी बहुत ज्यादा सेल, शायद $5 बिलियन की सेल उन्होंने शायद अखबारों में बताई थी कि मात्र एक हफ्ते में भारत के लोगों ने खरीदे। परंतु तो उसमें बहुत चौंकाने वाली चीज भी थी कि 60% लोगों ने ये जो आईफोन है ये किश्तों पे लिए, 60% लोगों ने किश्तों पे लिए, और बहुत बड़ा रिस्क है उनके जीवन में, शायद वो किश्तों को ना चुका पाए, और क्रेडिट डिफॉल्ट होने की वजह से, लोन डिफॉल्ट होने की वजह से उनका क्रेडिट स्कोर इंपैक्ट हो सकता है, और आगे के जीवन में एक और लोन सिक्योर करने में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। पहले का जमाना और था, वहां बहुत आराम से आप किसी और नाम से या किसी किसी भी तरीके से लोन सिक्योर कर लेते थे, पर आज के जमाने में आपकी आइडेंटिटी कनेक्ट हो चुकी है सब जगह से KYC की वजह से। तो इस वजह से अगर आप लोन डिफॉल्ट करते तो समझ लीजिए पूरा जीवन भर आपको इसकी वजह से मार खानी पड़ेगी। कभी भी आपको पैसों की आवश्यकता होगी तो कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आपको पैसा नहीं देगा। तो ऐसे दिखावों से बचने की कोशिश करें, केवल दिखावे के पर्पस के लिए कभी भी व्यर्थ में धन को ना खर्च करें, ये आपकी फाइनेंशियल स्थिति को, फाइनेंशियल सिचुएशन को खराब कर सकता है। तो ये मेरे अपने खुद के शब्द नहीं है जो मैंने स्टेटिस्टिक्स आपको बताए हैं, ये मेरे अपने दिए हुए नहीं है, ये मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा है। विचार मेरे जरूर अपने हैं कि हाँ जो वो कह रहे हैं बहुत सही बात कह रहे हैं, और अगर आज आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो ऐसी शोबाजी से जरूर बचने की कोशिश कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एक बुध देवता इंपॉर्टेंट संकेत दे रहे हैं यहाँ पर हमारे कर्क राशि के जातकों के बारे में। बुध देवता जो कि आपके फिफ्थ हाउस में विराजमान है इस समय पर, वो दिखा रहे हैं कि भाई बहनों की कोई मदद आपको या तो पढ़ाई के क्षेत्र में मिलेगी, उनकी कोई गाइडेंस मिलेगी आपके बड़े भाई या बहनों की, जिसकी वजह से आप अपनी पढ़ाई लिखाई में बेहतर कर पाएंगे, या हो सकता है किसी रिलेशनशिप प्रॉब्लम के अंदर भी आपके भाई बहन आपकी मदद करें, आपको सही रास्ता दिखाएं या सही रास्ता दिखाने की कोशिश करें। वहां पर अपने ईगो को हावी नहीं होने देना है, वहां पर उनकी बातों को सुनना है, समझना है। अल्टीमेटली डिसीजन तो आप ही के हाथ में है, परंतु बहुत आवश्यक है कि जो आपके वेल विशर्स हैं, जो आपके शुभ चिंतक हैं, जैसे आपके भाई या बहन, उनकी बातें जरूर सुने। इस समय पर बहुत काम की वो साबित हो सकती है। तो ये वो सारे शुभ संकेत है जो मुझे यहाँ पर कर्क राशि के लिए नजर आ रहे हैं। आगे बढ़ने से पूर्व मैं आप कर्क राशि वालों को कहना चाहूंगा कि हो सकता है कि इनमें से कुछ फल शायद आपको ना प्राप्त हो। इसका कारण आपकी कुंडली के खराब ग्रह हो सकते हैं। बहुत आवश्यक है कि अपनी कुंडली के खराब ग्रह की जांच आप जरूर करवाएं और उसके लिए कुछ उपाय भी करें। अगर आप मुझसे पर्सनल अपॉइंटमेंट लेकर 1-to-1 फेस टू फेस बात करना चाहते हैं, अपनी कुंडली दिखवाना चाहते हैं, तो एक लिंक लगातार स्क्रीन पर आपके सामने फ्लैश हो रहा है, डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में भी दिया गया है, उस पर क्लिक करके आप अपना पर्सनल अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। मात्र 2-3 दिनों में फेस टू फेस मुझसे बात करके आप ऐसे उपाय मुझसे प्राप्त कर सकते हैं जो 2-3 महीनों में आपके जीवन में बदलाव लेकर जरूर आएंगे। चलिए वापस अपने टॉपिक पर लौट रहा हूँ। बात कर रहा था कर्क राशि के बारे में, अब उन क्षेत्रों की चर्चा करूंगा जहां से मुसीबतें कर्क राशि के जीवन में प्रवेश कर सकती हैं। तो सबसे पहले बहुत सारे लोगों का ऐसा सपना हो सकता है कर्क राशि के जातकों का कि वो विदेशों में पढ़ाई लिखाई करें, परंतु कोई रुकावट इस समय पर आती हुई नजर आ रही है, या अगर आप बाहर हैं ऑलरेडी पढ़ रहे हैं तो वहां पर कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। हो सकता है फाइनेंशियल क्रंच आ जाए, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि यूनिवर्सिटी की ओर से जहां पर आप पढ़ रहे हो उसकी वजह से कोई एक्शन आ जाए, या फिर कोई रूल ऐसा चेंज हो जाए जो आपके पार्ट टाइम को अफेक्ट कर सकता है, या जिस भी तरीके से आप अपने फाइनेंसेस को वहां पर मैनेज कर रहे थे उस चीज को इम्पैक्ट कर सकता है। तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम एजुकेशन में आती हुई विशेष रूप से मुझे कर्क राशि के जीवन में दिखाई दे रही है। मंगल देवता अपनी नीच राशि के अंदर विराजमान है। वर्क प्लेस पर कोई ऐसी बात हो गई है जो आपके तनाव को बढ़ा रही है, उस तनाव की वजह से आपका स्वास्थ्य भी खराब हो रहा है, चिड़चिड़ापन बहुत हावी हो रहा है, और इसके साथ साथ इसका आपके गुस्से पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ रहा है, आपका गुस्सा इस समय पर बढ़ता चला जा रहा है। तो ये बड़ी प्रॉब्लम कर्क राशि के जातकों को यहाँ पर नवंबर 2024 में झेलनी पड़ सकती है। जब तक मंगल देवता की स्थिति रहेगी तब तक कर्क राशि वाले अपने आप को बहुत गुस्से में, बहुत आक्रामक, बहुत उग्र, बहुत वॉयलेंट महसूस कर सकते हैं, और इस
स्वभाव की वजह से आपकी हेल्थ भी खराब हो सकती है और साथ साथ आपके रिश्तों पर भी इसका बुरा असर पड़ सकता है। बात रिश्तों की कर रहा था तो एक जीवन साथी की मैं बात यहाँ पर जरूर छेड़ना चाहूंगा। जीवन साथी किसी बात से नाराज होकर के शायद इस समय पर अपने घर चले जाए या आपसे दूर चले जाए, ऐसी संभावना दिखाई दे रही है, क्योंकि आपका सातवां भाव और आठवां भाव अष्टक वर्ग में बहुत कमजोर नजर आ रहे हैं। इस प्रॉब्लम में जो राहत है वो आपको मिल सकती है महीने के थोड़ा एंड में जाकर के, जब शनि देव जी पुनः मार्गी होंगे उस समय पर कुछ राहत के चांसेस नजर आ रहे हैं। इसके साथ साथ शुक्र देवता आप कर्क राशि वालों के लिए छठे भाव में विराजमान दिखाई दे रहे हैं। ये दिखा रहा है कि आपके समाज में किसी से एसोसिएशन होने की वजह से, किसी ऐसे व्यक्ति से, या विशेष रूप से यहाँ पे मैं किसी महिला की बात कर रहा हूँ, उनसे आपका नाम जोड़ा जा सकता है और इस वजह से बदनामी का सामना यहाँ पर कर्क राशि के जातकों को करना पड़ सकता है। तो इस बात से बहुत ज्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता है। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेरा नवंबर 2024 के लिए कर्क राशि का राशिफल। अगर आप अन्य राशियों का राशिफल भी देखना चाहते हैं नवंबर महीने का, तो इसके लिए मैंने प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में आपकी सुविधा के लिए दिया हुआ है। इसके साथ साथ अगर अपना दैनिक और साप्ताहिक राशिफल आप व्हाट्सएप पर मुझसे प्राप्त करना चाहते हैं, तो इसके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में एक लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक करके आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाएं और अपना साप्ताहिक और दैनिक राशिफल वहां से जरूर चेक कर लें। इसके साथ साथ मैंने आपको जैसे एडवाइस किया कि अगर आप बहुत समय से पीड़ित हैं, परेशान हैं, चाहे कोई भी परेशानी हो, नौकरी ना लग रही हो, व्यापार मंदा चलता हो, स्वास्थ्य अच्छा ना हो, कर्ज बहुत ज्यादा हो गया हो, या फिर लड़ाई झगड़ा बहुत ज्यादा होता हो, या फिर कोई आपको परेशान कर रहा है, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, शादी विवाह में विलंब है, या फिर संतान प्राप्ति में समस्याएं हैं, ऐसी कोई भी परेशानी क्यों ना हो, आप एक बार अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण मुझसे जरूर कराएं। मैं आपको ऐसे उपाय जरूर दूंगा जिनसे 2 से 3 महीनों में आपके जीवन में बड़ा बदलाव आ सकता है। चलिए कर्क राशि वालों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मुलाकात होगी आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और खुश रहें। जय श्री। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अनिल कुमार है, मैं सिवान जिले का रहने वाला हूँ जो कि बिहार में पड़ता है। अभी मैं फिलहाल में दिल्ली रहता हूँ और मैं यूट्यूब पे गुरुजी का वीडियो देखा और काफी दिनों से मैं देख रहा था वीडियो को। एक दिन गुरुजी से मिलने का मौका मिला, हम गुरुजी के पास आए और हमारे पास बहुत सारी परेशानी चल रही थी और जॉब के करियर में बाकी सारी परेशानी चल रही थी हालांकि, और गुरुजी के पास आया, गुरुजी हमें एक बाजूबंद दिए बनाकर जो कि मैं धारण कर रखा हूँ, और इस बाजूबंद को धारण करने के बाद 3 से 4 महीने के बाद मेरी जॉब लगी और अच्छी जगह जॉब लगी कि जो भटक रहे थे हम जॉब के लिए, उससे सलूशन मिला और बाकी भी हमारे ग्रह ठीक हो गए। और बाकी मैं दोबारा गुरु जी का दर्शन लेने आया हूँ अभी फिलहाल में, और किसी को भी कोई भी परेशानी हो तो आप डायरेक्ट संपर्क करें, स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कॉन्टेक्ट कीजिए और एक बार आइए जरूर।